नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। यूपी के प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत का मामला अब बढ़ता ही जा रहा है। महंत नरेंद्र गिरी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, लेकिन एक पेड़ पर फांसी के फंदे से लटके उनके शव ने हर किसी को चौंका दिया है। हालांकि उनकी मौत को लेकर लगातार जांच की जा रही है, साथ ही एक के बाद एक नए खुलासे भी हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल करने की खबरें सामने आ रही हैं। दावा है कि एक वीडियो के जरिए महंत नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल किया जा रहा था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ब्लैकमेल करने के लिए एक सीडी का इस्तेमाल किया गया और ब्लैकमेलिंग का आरोप सपा नेता पर लग रहा है। ब्लैकमेलिंग के इस मामले में समाजवादी पार्टी की सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे व्यक्ति भी जांच के दायरे में है। जिस नेता की बात हो रही है वो अक्सर बागम्बरी मठ में नरेंद्र गिरी से मिलने आता था। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में जिस शिष्य आनंद गिरी को हिरासत में लिया गया है वो पूर्व राज्य मंत्री उसका भी करीबी था। प्रयागराज पुलिस को कॉल डिटेल की मदद से ये सभी अहम सुराग मिले हैं और अब पुलिस के रडार पर ये समाजवादी पार्टी सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री भी आ गया है। ताज़ा जानकारी के आधार पर ही पुलिस अपनी आगे की कार्रवाई में जुटी है। गौरतलब है कि प्रयागराज पुलिस ने पहले ही नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में एक FIR दर्ज कर ली थी। धारा 306 के तहत यह FIR दर्ज की गई है, जिसमें आनंद गिरी का भी नाम है। आनंद गिरी पर महंत नरेंद्र गिरी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप है। महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में भी आनंद गिरी का जिक्र किया है। इसके अलावा दो अन्य पुजारियों को प्रयागराज में हिरासत में लिया गया। पुलिस शुरुआत में इस केस को आत्महत्या से जोड़ रही है, लेकिन तमाम रिपोर्ट्स आने के बाद ही अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।